हागर का 50-50 जो अप्रूव होकर लेआउट आया हुआ है, आज उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जो लोग आज उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं वो उस वक्त पिक्चर में ही नहीं थे, तो आज वो लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। मैं आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये लोग कितना गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कुछ दिन पहले मोहतरमा यहाँ के जो मोहतरमा MLA साहिबा जो आप लोगों के सामने आकर बोले थे कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, मैं क्या करूं, BJP की गवर्नमेंट है, मेरे को कुछ काम करने नहीं दे रहे, तो आज कौन सी गवर्नमेंट है ये पूछना चाह रहा हूं मैं। आज क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट है या BJP की गवर्नमेंट है, तो क्रेडिट किसको लेना चाहिए और क्रेडिट किसको देना चाहिए? तो उस वक्त के जो चेयरमैन थे असगर चुलबुल साहब और कमरुल इस्लाम साहब, हम लोग मिलकर इस प्रोग्राम को बनाए, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ना के वहीं बल्कि 2-3 मर्तबा कैबिनेट के अंदर ले जाकर असगर चुलबुल साहब गए, और जबकि रिंग रोड का एक प्रपोजल था, जबकि रिंग रोड के हमारे जो मिनिस्टर थे सेंट्रल के नितिन कटकरी साहब, उस वक्त जनाब मोहतरम असगर चुलबुल साहब GDA चेयरमैन भी थे, उस वक्त भी वो उन्होंने अपनी फाइल लेकर सेंट्रल हुकूमत से भी गुजारिश करे थे कि भाई आपके आतरा गुलबर्गा के रिंग रोड एक नहीं होना, तो वो भी काम ने कमरुल इस्लाम साहब और उन्होंने हम मिलकर काम करे थे। और आज मोहतरमा बोलते हैं कि ये काम 5 साल पहले मोहतरमा शुरू करे, जबकि मोहतरमा बनकर 3 साल नहीं हुआ, 3 साल पूरे मुकम्मल नहीं हो रहा, तो लोग बोल रहे हैं कि वो 5 साल से मोहतरमा काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये चुप गुमराह करने वाली बातें हैं, आप लिहाजा इनके ऊपर मत आइए, ये फिर खोखले वादे हैं, खोखले दावे हैं। लोग आतराफ इनके जो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, पिक्चर में आना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि ये जो मुंह बोला बेटा है, ये मुंह बोला बेटा भी जाकर इनाग्रेशन करता है, इतना वक्त खराब है नॉर्थ का कि मुंह बोला बेटा भी जाकर हैंडपंप मारता है। तो बोलने का मतलब ये है कुछ काम कर रहे नहीं, किसी के नाम पे किसी के फातिहा चल रहे हैं, ये टोटल ही मोहतरमा गुमराह कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अब कॉरपोरेशन इलेक्शन नजदीक आया है, आज भी कुछ डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे खाली कुछ नहीं, अपने खानदान के लोगों को भरपाई करे हैं और उन्होंने पैसा का काम कराया, खानदान के लोग ही डेवलप हैं, कोई सिटी डेवलप नहीं है इनके हाथ। GDA चेयरमैन की हैसियत से असगर चुलबुल साहब का कारनामा, हागर का लेआउट मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की सरपरस्ती में हागर का लेआउट का मंसूबा बनाया गया और इसे अब मंजूरी मिली, लेकिन अफसोस के आज कुछ लोग इस कारनामे को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कमरुल इस्लाम साहब के करीब रहा हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कुसनूर का 90 एकड़ का लेआउट, जी अपना गन्नी मार्केट, ये माइनॉरिटी का लेआउट जो आगर का रोड पे है, ये 50-50 जो असगर साहब की कोशिश काविशों से जो लोग ज़मीन नहीं देने वाले थे उनको मनाते हुए 50-50 पे तय करके असगर साहब ने लेके चेयरमैन लेआउट बनाया था, जिसे आज मंजूरी मिली है, लेकिन कुछ नाहमक लोग अपना कारनामा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल जलील हरकत है, ये ऐसी हरकत होना भी नहीं चाहिए। और शादी भाग्य स्कीम वो ख़त्म कर दी गई, और हम इस्लाम साहब जो हज हाउस बनाने का प्रोग्राम बने थे उसमें ये लालची लोग कमीशन के लिए थोड़ी देर कोशिश करते हुए कर रहे हैं मगर फेल हो गए, और ईदगाह लेआउट ईदगाह बनाने का प्रोग्राम भी मंसूबा जो था वो भी आज फेल है, ना कमेटी बनी ना कुछ हुआ, अब जो मनमानी करके ये लोग यहाँ तक लाइट के खंभे तक नहीं लगा सके, इनका लालची अंदाज देखो, इन्होंने नमाज की मस्जिदों को तो कभी ज़िंदगी बना ही नहीं, ना किसी मस्जिद को 2 रुपये दे, तारीख भी नहीं है इनकी, मगर ये इतनी कमजोर लोग हैं कि ऐसी ऐसी हरकत करते हैं, बहुत बुरी बात है।